ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर एक सिंगल फेज लोड इज सप्लाइड ए सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम लोड टू सोर्स, ओके लोड से सोर्स की तरफ करंट जा रही है, इज टेन विद एंगल माइनस 150 डिग्री एंड इफ द वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल इज दिस वन, देन द आपसे पूछा है देन तो क्या होगा, लोड कंज्यूम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर और डिलीवर रिएक्ट, मतलब आपसे ये पूछा है कि लोड जो होगा वो आपके एक्टिव और रिएक्टिव पावर में से किसको डिलीवर करेगा और किसको कंज्यूम करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या दिया गया है कि एक सिंगल फेज लोड है और सप्लाइड बाय ये सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है इस तरीके से यहां पे, ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, मतलब ये वोल्टेज है वीएस और यहां से करंट जा रही है आईएस, बना दिया मैंने वोल्टेज सोर्स बनाना है, मतलब करंट ऐसे होगी, ठीक है, ओके आगे चलो। ये सप्लाई कर रहा है किसको, एक लोड को, ये मेरा हो गया लोड, क्या बनाना है इसको मुझे, लोड बनाना है। तो लोड कैसा होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा अगर मान लो इस पोलैरिटी में, तो ये करंट को कंज्यूम कर रहा होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन रहेगी ऐसे, तो ये हो जाएगा आई ऑफ आर, सही है, ओके। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है लोड टर्मिनल पे, मैग्नीट्यूड है 100 और एंगल है 60 डिग्री का। और क्या बोल रहा है आपका, सिंगल फेज सप्लाई ए फेज वोल्टेज सोर्स इफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम लोड टू सोर्स, उसने बोल रहा है करंट जा रही है इधर से इधर, अगर इधर से इधर जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी तो क्या फिर इसको आप लोड बोल सकते हो क्या, नहीं, अगर इसको लोड बनाना है तो आपको करंट की डायरेक्शन ये वाली रखनी पड़ेगी, सही है। तो मतलब आपको आई ऑफ आर की वैल्यू उसने इस डायरेक्शन में दे रखी है 10 विद एंगल माइनस 150, लेकिन आपको अगर आपने इस डायरेक्शन में ले लिया तो आप लिखोगे इसको माइनस 10 विद एंगल माइनस 150, यही इस क्वेश्चन का राज था और इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट वीआई कॉन्जुगेट लगा दिया और अगर यहां पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने पहले लोड को लोड तो बनाया ही नहीं, तुम पहले लोड को लोड तो बनाओ भाई, लोड क्या होता है, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही हो और फिर लगाओ ना एस इक्वल टू वीआई कॉन्जुगेट। अगर तुमने लोड को लोड बनाया ही नहीं है और डायरेक्ट एस इक्वल टू वीआई कॉन्जुगेट लगा दिया तो उसने तो क्लियर लिख रखा है, देखो द करंट फ्लोइंग फ्रॉम लोड टू सोर्स, आपको करंट की डायरेक्शन कौन सी दे रखी है कि लोड से सोर्स की तरफ जो करंट जा रही है ना उसकी वैल्यू है ये। अब अगर तुमने लोड से सोर्स अगर ऐसे करंट की वैल्यू को इसको ले लिया 10 विद एंगल माइनस 150 और फिर इसके ऊपर लगा दिया एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट और वोल्टेज ले लिया तुमने ये और करंट ले ली तुमने ये, तो बेटा तुम लोड के ऊपर लगा रहे हो तो पहले उसे लोड तो बनाओ, लोड तो बनाओ, लोड बनाओ तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन ये लो ना, क्योंकि लोड के तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर होती है, मैंने बताया था ना शुरू में कि अगर तुम्हें लोड के ऊपर लगाना है तो पहले उसे लोड बनाओ और लोड के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है, अगर सोर्स के ऊपर लगाना है तो उसे पहले सोर्स बनाओ, उसके सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है, सही बात है। तो ये जो करंट आपको ऐसे दे रखी है आपको ऐसे नहीं माननी, आपको तो ऐसे लेनी है, तो आपको क्या करना है माइनस साइन लगा देना है, सही है। तो करंट क्या हो जाएगी माइनस 10 विद माइनस 150 डिग्री। अब आपको यह देखना है कि ये जो लोड है ये पावर को कंज्यूम कर रहा है डिलीवर करना है, कैसे देखेंगे, ऐसे कुछ भी आई कॉन्जुगेट लगा के, बस बड़ी सिंपल सी कहानी होगी आपका काम। देखो क्या होना चाहिए, सर अगर मैंने लगाया एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट तो वोल्टेज कितना है, सर वोल्टेज है 100 विद एंगल 60 डिग्री, ओके करंट कितनी है, सर करंट का एंगल है 10 विद एंगल माइनस 150 डिग्री, लेकिन सर ये कहां से कहां दे रखी है, ये देखिए लोड से सोर्स और मुझे जाना है सोर्स से लोड, तो माइनस लगाना पड़ेगा कॉन्जुगेट। अब मैंने लोड को लोड बना दिया तो अब सोल्व करो इसको, देखिए कितना बनेगा, ये हो जाएगा 100 विद एंगल 60, ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉन्जुगेट हटा दिया मैंने तो 10 विद एंगल माइनस 150 का कितना हो जाएगा 150, क्योंकि कॉन्जुगेट से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एंगल का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो कितना बन गया सर माइनस 1000, एंगल से एंगल ऐड करोगे तो 60 प्लस 150 कितना बन गया सर 210, यही बनेगा ना, बिल्कुल सही है। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा माइनस ऑफ 1000 कॉस ऑफ 210, ठीक है, ओके प्लस सॉरी माइनस जे, ये बन जाएगा सर 1000, ये हो जाएगा साइन ऑफ 210। यार एंगल 210 डिग्री है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, देखो ये होता है 0 से 90 180 ये 210 यहां आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो टेन और कोट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब यहां पे आपका साइन भी नेगेटिव होता है और यहां पे आपका कोस भी नेगेटिव होता है, सही बात है नहीं है, मतलब कोस 210 जो होगा ये कोस 210 जो होगा ये कैसा होगा नेगेटिव होगा, और ये जो होगा ये भी आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, सही है। तो ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये दोनों मिलके कैसे बन जाएंगे पॉजिटिव मिल जाएंगे, और ये आपकी कौन सी पावर है एक्टिव है, और जे के साथ में जो आती है वो कौन सी होती है रिएक्टिव होती है, तो पी आपको कैसा मिल रहा है, देखो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पी मिल रहा है आपको पॉजिटिव,
और क्यू आपको कैसा मिल रहा है सर, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, मतलब क्यू भी आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो मतलब इस लोड के लिए पी भी पॉजिटिव मिला है, क्यू भी पॉजिटिव मिला है। और लोड पे अगर एक्टिव या रिएक्टिव पावर की वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैसा ही बिहेवियर करेगा जैसा उसका एक्चुअल में है। और लोड एक्चुअल में क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है, मतलब ये एक्टिव पावर को भी कंज्यूम करेगा और ये रिएक्टिव पावर को भी कंज्यूम करेगा। सही बात है, तो ये दोनों पावर को ही कंज्यूम करेगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, देख लो जरा, लोड कंज्यूम पहला दे रखा है कि लोड कंज्यूम करेगा एक्टिव पावर को एंड डिलीवर, नहीं डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है आगे चलो, लोड कंज्यूम एक्टिव कंज्यूम, ओके एक्टिव पावर एंड कंज्यूम रिएक्टिव पावर, यहां एक्टिव हो रहा है, लोड जो होगा कंज्यूम एक्टिव पावर एंड कंज्यूम रिएक्टिव पावर, तो दोनों को कंज्यूम करेगा तो सही है। लोड डिलीवर नहीं, डिलीवर तो किसी को कर ही नहीं रहा, ठीक है गलत है, लोड डिलीवर नहीं, डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है कंज्यूम, हाँ कंज्यूम कर रहा है लेकिन रियल को डिलीवर नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है कंज्यूम एक्टिव एंड कंज्यूम रिएक्टिव, ये भी गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कि दोनों को वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ओके आगे चलो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक ओके, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रही है, एक्टिव की वैल्यू इतनी मिल रही है, रिएक्टिव की वैल्यू 500 मिल रही है। ओके तो दोनों कंज्यूम होगा भाई, पी प्लस जे क्यू। ओके ये आपका एक डायग्राम है, ये मैंने आपको बताई दिया है कि अगर मान लो आपका एंगल, पहले मान लो आपका एंगल जो था, अगर वो मान लो एंगल आपका कितना था, ये वाला था मान लो थीटा डेस, बाद में तुमने रिएक्टिव पावर दी और अगर वो एंगल आपका थीटा हो गया, तो मतलब आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे अपन, ठीक है ये मैं बता चुका हूं आपको। ओके हाँ आगे चलो, इफ द लोड इज डिमांड, क्या बोला था मैंने, इफ द लोड इज डिमांड मोर एंड मोर लैगिंग रिएक्टिव पावर, देन इन दैट केस द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम विल बी पुअर। अगर आपको जितनी ज्यादा डिमांड होगी लोड की रिएक्टिव पावर की, आपका पावर फैक्टर उतना ही कम होता जाएगा। सही बात है नहीं है, और पावर फैक्टर का कम होना श्राप है सर, बहुत बुरी कंडीशन है।